हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैयद ईएच ऑल इन वन क्लासेस। सो आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जिसमें हम लोग आज का एक लॉ डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। क्या क्या लॉ है? लॉ है यानी कानून जिसके ऊपर पूरा इलेक्ट्रो होम्योपैथी डिपेंड है। यानी कानून जो है वो जो जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने का कानून क्या है? टू व्हीलर है, टू व्हीलर तो टू व्हीलर में दो ही पर्सन बैठ सकते, थर्ड पर्सन अगर बैठेंगे तो क्या होगा? ये कानून के खिलाफ होगा। तो कानून क्या है, लॉ क्या है? गाड़ी में दोनों ही पर्सन अलाउड है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भी कानून है। तो इसी के बेस पे हमारी पूरी मेडिसिन, पूरी ट्रीटमेंट या फिर कोई भी तरीका है, इसी पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो वो क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लॉस है, आइए डिस्कस करते हैं आज। वी विल स्टडी बेसिक एंड फंडामेंटल लॉस ऑन विच द एंटायर इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज बेस्ड, ठीक है। दे आर नेमली लॉ ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इन द वेजिटेबल किंगडम, के जिन लॉस को हमारे सामने डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब ने रखा, वो थ्री टाइप्स के हैं। एक लॉ क्या है? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी का यानी करंट का वेजिटेबल किंगडम, खासकर प्लांट्स में पाया जाना। लॉ ऑफ पोलैरिटी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। लॉ ऑफ पोलैरिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, तो ये तीनों लॉ को रखते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी, चाहे वो ट्रीटमेंट की विधि हो, चाहे वो मेडिसिन बनाने की विधि हो, चाहे वो डिसीज को क्यूर करने की विधि हो, पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड है, ठीक है। तो आइए आज हम लोग एक लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका जानना हमें बहुत जरूरी है। वो क्या है? लॉ ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इन द वेजिटेबल किंगडम, यानी एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो तमाम अक्सर प्लांट्स में पाई जाती है। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी किससे कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी कॉज्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम, यानी एक एटम है, ये एक पूरा एटम है, ठीक है। एटम के अंदर जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव होते रहेंगे, जब मूव होते रहेंगे तो एनर्जी को प्रोड्यूस करें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। अगर इसमें पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा मात्रा में अगर पाए जाएंगे तो इसको हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो यही चीज हमारे जो जीव है, अक्सर जीवों में पाई जाती है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, ठीक है। देखें, इलेक्ट्रिसिटी इज ए कंपाउंड पार्ट ऑफ द एयर एंड ऑल लिविंग सब्सटेंस एनिमल और वेजिटेबल, एंड विदाउट इट प्रेजेंस द नर्वस सिस्टम वुड बी यूजलेस फॉर द नर्वस सेंसेशन। यानी इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी हिस्सा है, चाहे वो हवा का हो, चाहे वो जानदार हो, ठीक है, यानी जीने वाले जो भी जिसके अंदर जिंदगी है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, प्लांट्स हो, ठीक है। इसके बगैर हमारा जो या फिर तमाम सब्सटेंसेस का, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो नर्वस सिस्टम है वो काम नहीं कर पाएगा, वो एकदम बेकार हो जाएगा, ठीक है।
द वेजिटेबल किंगडम इज यूजिंग द ग्रेट फोर्सेस ऑफ नेचर, प्लांट एमिनेट द सन्स हीट एंड लाइट। तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करने वाली अगर नेचर को है वो है प्लांट्स, ठीक है, जिसको वेजिटेबल किंगडम इसलिए कहा गया कि ये नॉन वेज नहीं है, ठीक है, नॉन वेज के ऑपोजिट में इसको वेजिटेबल किंगडम कहा गया। तो ग्रेट फोर्सेस ऑफ नेचर को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करने वाले वो है प्लांट्स, ठीक है, चाहे वो सन के हीट को हो, सन के लाइट को हो, ठीक है, और उसके लाइट को भी अब्सॉर्ब करता है, उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी अब्सॉर्ब करता है। इसी तरह जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं तो उसको भी यूटिलाइज करता है, उसका भी यूज करता है, ठीक है, चाहे वो केमिकल इफेक्ट के जरिए से हो या फिर थर्मल इफेक्ट के जरिए से हो, यानी केमिकल इफेक्ट गैसेस के जरिए से हो सकता है, ठीक है, केमिकल चेंजेस होंगे उसके अंदर, ठीक है, थर्मल इफेक्ट टेम्परेचर के जरिए, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटीज का यूज होना, ठीक है, ये डायग्राम देखिए आप इसको समझ पाएंगे। ये हमारा सूरज है, सूरज से लाइट निकलती है, इसको प्लांट अब्सॉर्ब करते हैं, गैसेस निकलते हैं, गैसेस को भी ये प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं। ये गैसेस को ही मैं कहूंगा, ठीक है, ये गैसेस को हम क्या कहेंगे, यही केमिकल इफेक्ट है, ये केमिकल इफेक्ट है, ये जो लाइट से और लाइट से जो रोशनी आ रही है, सन से जो रोशनी आ रही है लाइट, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, रेस हो सकते हैं, ठीक है, और लाइट एनर्जी है, इन सब को प्लांट्स अब्सॉर्ब करेगा, और गैसेस से ये और थर्मल इफेक्ट बोल सकते हैं इसको, और गैसेस से जो गैसेस जब प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं इसको हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट्स। तो ये इलेक्ट्रिसिटी नेचर में जो भी है वो यूटिलाइज करता है प्लांट्स, चाहे वो सन के जरिए से हो, चाहे वो गैसेस के जरिए से हो, या कोई अदर सोर्सेस के जरिए से हो, ठीक है। ड्यूरिंग सर्टेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट, सर्टेन अमाउंट ऑफ सोलार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी इज हार्वेस्टेड बाय द ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट। यानी एक ऐसा प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसको लाइट जो प्लांट जो है वो लाइट को अब्सॉर्ब करता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और इसी तरह गैसेस जो प्रेजेंट होती है खासकर कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको भी अब्सॉर्ब करता है, उसको केमिकली उसको बैलेंस करके, ठीक है, जब ये जो भी एनर्जी लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हुई हो, ठीक है, वो एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है प्लांट, ठीक है, वो प्लांट ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज करके वो अपनी जो जिंदगी के हो वो बढ़ाता है, ठीक है, यानी वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करके वो एनर्जी ही से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। तो यही एनर्जी को हमारे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब ने अब्सॉर्ब किया, उन्होंने कहा कि भाई ये एनर्जी प्लांट्स में है, स्टोर्ड है, तो वो स्टोर्ड एनर्जी को अगर हम निकाल के यूटिलाइज करेंगे तो हमारी जो बैलेंसिंग इम्बैलेंसिंग हुई है बॉडी की, चाहे वो लिम्फ के जरिए से हो या ब्लड के जरिए से हो, तो उस इम्बैलेंसिंग को हम बैलेंसिंग की तरफ लेके जाकर डिसीज को दूर कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स के अंदर जो प्रेजेंट है, उन प्लांट्स में से उस इलेक्ट्रिसिटी को निकालने के लिए एक प्रोसेस बनाया गया, उसी प्रोसेस को हम कहेंगे कोहोबेशन, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी जिस मिकदार में जितने हिसाब से जो प्रेजेंट है प्लांट्स में उसको निकाल कर सेव करना, इसी प्रोसेस का नाम है कोहोबेशन, ठीक है। आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, यानी जो हरे पौधे हैं और जो थोड़े बहुत ऑर्गेनिजम्स है, ये क्या करते हैं, सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं अपने अंदर न्यूट्रिशंस को बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके और पानी से मिलके,
ठीक है, इसके अंदर जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल वर्क करने वाला अगर कोई चीज है वो है क्लोरोफिल, यानी जो हरा हरा नजर आता है हमें पत्तों में, जो हरियाली जो मौजूद है वो किस वजह से है? क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। यही पिगमेंट क्या करता है? सन की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। यही पिगमेंट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अपन के अंदर लेता है। वाटर तो जमीन से मिलेगा, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट की जो एनर्जी है वो जब मिलेगा, वो मिलने के बाद ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा। वाटर से जो ऑक्सीजन मिलता है प्लांट को, वो कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन CO2 से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो वाटर बना हुआ है उसमें से ऑक्सीजन निकल के ये दो ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन मिलके वो एलिमेंट हो जाएगा प्लांट से, जिसको हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, यानी एनिमल्स को और जो ह्यूमन बीइंग से वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। देखिए ये प्रोसेस यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बताया गया, इन स्टेप्स को देख सकते हैं हम। द प्लांट्स ड्रॉप वाटर थ्रू इट्स रूट्स, यानी इसके जड़ों से इसने ऑक्सीजन को लिया, वाटर को लिया। द लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, ये पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लिए। द लीव ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, इसी तरह ये पत्ते सनलाइट से एनर्जी को लिए। द प्लांट यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू टर्न वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंटू शुगर एंड ऑक्सीजन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा एक, और एक ऑक्सीजन बनेगा। तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज प्लांट यूज करेगा। ठीक है, ये आप ये भी इमेज में देख सकते हैं चीज। तो इस तरह लॉ ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वेजिटेबल किंगडम को हम साबित कर सकते हैं साइंटिफिकली। तो फ्रेंड्स, यह था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर हम सेकेंड लॉ को हम डिटेली इसी तरह डिस्कस करेंगे कल। ओके, थैंक यू।